Hello students, in the last video, we have started with discrete-time convolution and we have studied one type of question in discrete-time convolution for which we have used three methods, okay? Now, in this video, I will take a next type of question, another type of question, you can say type 2, okay? So, in this case, suppose a question is xn is an un and hn is un, okay, and we need to solve xn convolution hn, that is we need to calculate yn, okay. So is question mein hame yn calculate karna hai, hame xn aur hn dono ki value given hai. Last video mein jo humne xn aur hn ki values dekhi thi wo aapki ek आप बोल सकते हैं कांस्टेंट वैल्यूज थी, ठीक है ना, एक फाइनाइट वैल्यूज थी, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4 या 2, 3, 4, 5 ऐसे वैल्यूज आपको गिवन थी, ठीक है. नाउ यहां पर अगर आप देखेंगे xn और hn के आपको इक्वेशन गिवन है, ओके, तो n की बहुत सारी वैल्यूज के लिए आप यहां पर सैंपल्स बना सकते हैं, ओके. मतलब लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन देखा था वहां n की वैल्यू सिर्फ 0 टू 3 तक थी xn में, और hn में भी n की वैल्यू 0 से 3 तक थी, लेकिन n की यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए आपके सैंपल्स बन जाएंगे, ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चंस को जो इक्वेशन के फॉर्म में गिवन हो किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक मेथड बताने जा रहा हूं. अगर मैं यहां पर फार्मूला आपके लिए वापस से लिख लूं तो फॉर्मूला हमारा होता है समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट एक्स के एच ऑफ एन माइनस के, ओके, क्लियर है अच्छे से. नाउ अगर मैं इस फॉर्मूले में अब यहां पर देखूं तो हमें एक्स के चाहिए और एच ऑफ एन माइनस के चाहिए, तो अगर मैं यहां पर एक्स के और एच ऑफ एन माइनस के की वैल्यू को पुट कर दूं फॉर्मूले में तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स के a की पावर k u k एंड h ऑफ n माइनस k क्या हो जाएगा आपका u ऑफ n माइनस k, ठीक है. तो ये हमारा yn का इक्वेशन आ गया. अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो अगर आप ध्यान से देखें इस yn के इक्वेशन में तो आपके u के दो टर्म्स हैं, एक टर्म है आपका u k और एक टर्म है u ऑफ n माइनस k. तो अगर मैं इन u के टर्म्स को सॉल्व करके लिमिट फाइंड आउट कर लूं समेशन की तो हम लोग आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है ना. आपको हमेशा ध्यान रखना है u के जो टर्म्स होते हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ समेशन या इंटीग्रेशन की लिमिट डिसाइड करना होता है, ओके. एक बार आपने इस टर्म का एनालिसिस करके, दैट इज u के इनटू u ऑफ n माइनस k का एनालिसिस करके अगर आपने समेशन की लिमिट निकाल ली तो आपका वर्क यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, ओके. तो देखिए आप UK जो है वो 1 होगा for k greater than equal to 0 and 0 होगा for k less than 0. ये हम लोग already study कर चुके हैं, ठीक है ना. UN के form में हमने study की थी, यहां मैंने UK लिख दिया. Similarly U of n minus k, जैसा हमने UK को लिखा वैसी U of n minus k को लिखेंगे, equal to होगा 1 for n minus k greater than equal to 0, जिसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए अगर आप k को राइट साइड ले जाएं तो आप लिख सकते हैं k less than equal to n, क्योंकि आपको जो लिमिट है वो k की चाहिए ना. Now u of n minus k will be equal to 0 for n minus k less than 0, that is k greater than n, okay. तो यहां पर आप देखिए uk और u of n minus k के लिए आपने निकाल लिया कि कब वो 1 होंगे. ऑब्वियस सी बात है जब भी आपका uk या u of n minus k दोनों में से कोई भी अगर 0 हो गया तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 0 हो जाएगा और आपका कंप्लीट yn भी 0 हो जाएगा, ओके. तो यहां पर आप देखिए k less than 0 आप नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे ही आप k less than 0 जाएंगे uk आपका 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा yn क्या हो जाएगा, 0. सिमिलरली आप k greater than n नहीं जा सकते, जैसे ही आप k greater than n जाएंगे
आपका u ऑफ n माइनस k जीरो हो जाएगा और आपका कंप्लीटली जो yn है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर हमें ये समझ में आ गया k की वैल्यू लेस देन जीरो नहीं होगी, दैट इज k ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सिमिलरली k की वैल्यू ग्रेटर देन n नहीं होगी, दैट मींस k ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशन को मर्ज कर दें तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो टू n। क्लियर है अच्छे से? तो आपकी k की लिमिट तो यहां पर आ गई, जो आपको समेशन निकालना था उसमें आपको k की लिमिट चाहिए थी, तो k की लिमिट आ गई। और इस k की लिमिट के लिए uk एंड u ऑफ n माइनस k दोनों क्या है आपके, 1, तो 1 इंटू 1 आप 1 पुट कर देंगे दोनों के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू। लेकिन अभी आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां पर हमें एक और रेंज निकालनी होगी, वो है आपकी n की, कि n की वैल्यू आपकी कहां से कहां तक हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस uk और u ऑफ n माइनस k को ड्रॉ कर लूं तो uk आपका इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, 0 पर 1, 1 पे 1, 2 पर 1 एंड सो ऑन। ओके, ये मेरा ड्रॉ हो गया uk। क्लियर है? नाउ अब अगर मैं u ऑफ n माइनस k ड्रॉ कर लूं तो ये कैसे हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि आप सबसे पहले u ऑफ माइनस k ड्रॉ करिए। ओके, तो u ऑफ माइनस k क्या हो जाएगा आपका, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में पलटी खा जाएगा uk। ठीक है, तो 0 पर 1, माइनस 1 पर 1, माइनस 2 पर 1, माइनस 3 पर 1 एंड सो ऑन। ओके, तो ये मेरा बन गया u ऑफ माइनस k। फिर मैंने आपको क्या सिखाया है कि जैसे ही आपका u ऑफ माइनस k बन जाए उसमें आप प्लस n कर दीजिए। ओके, मतलब हर एक जो आपको k की वैल्यू दिख रही है उसमें हर एक जगह प्लस n प्लस n प्लस n कर दीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस n। ओके, ये हो जाएगा आपका माइनस 1 प्लस n, ये हो जाएगा आपका माइनस 2 प्लस n, माइनस 3 प्लस n एंड सो ऑन। ओके, क्लियर है अच्छे से? हर एक सैंपल की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 होगी। तो अब आप देखिए, आपका uk ड्रॉ हो गया, आपका u ऑफ n माइनस k ड्रॉ हो गया। देखिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है आपके yn के इक्वेशन में, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर कभी भी जीरो हो गया तो आपका कंप्लीट yn जीरो हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे लिए। ओके, तो आप देखिए, जीरो पर वन है u ऑफ n माइनस k, अगर n की वैल्यू जीरो है तो, ना ध्यान रखिएगा, अगर मैं n की वैल्यू यहां पर जीरो ले लूं तो जीरो पर वन ये भी आपका जीरो पे वन है uk, तो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। तो जीरो पर वन इंटू वन वन मतलब एक फाइनाइट वैल्यू होगी, अगर आप n की वैल्यू जीरो रखते हैं तो, जीरो तो नहीं होगा। अगर आप n की वैल्यू माइनस वन रख लें, माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, तो माइनस वन से लेकर माइनस फोर एंड अप टू माइनस इनफिनाइट तक तो होना ही है, मतलब सारे के सारे सैंपल आपके नेगेटिव साइड हो जाएंगे, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। और जो आपका यूके है वो स्टार्ट ही होता है k इक्वल टू जीरो से, जीरो से इनफिनाइट तक, मतलब जैसे ही आप n की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। क्लियर है अच्छे से? तो जैसे ही आप n की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे या माइनस टू पुट करेंगे या माइनस थ्री पुट करेंगे तो uk इंटू यू ऑफ n माइनस k आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो इस केस में आप क्या बोलेंगे कि आपका कंप्लीट yn जीरो हो जाएगा। सपोज करिए, अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करते तो यहां पर माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाता और जीरो प्लस वन वन हो जाता, तो जीरो और वन पे सैंपल मिलते, यहां पर भी जीरो और वन पे सैंपल हैं, तो आप देख सकते हैं ये कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आपकी आती। इसकी मीनिंग क्या है कि जब भी आपकी n की वैल्यू जीरो या जीरो से ग्रेटर है, uk और u ऑफ n माइनस k का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू होगी। लेकिन अगर n की वैल्यू आपकी लेस देन जीरो है, दैट इज माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री है, तो uk इंटू यू ऑफ n माइनस k का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज जीरो होगा, जिससे आपका कंप्लीट yn क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि k की रेंज तो होगी जीरो टू n, साथ साथ में n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हमें ध्यान रखना होगा।
तो अब अगर मैं yn का फॉर्मूला देखूं तो यहां पर आप k की लिमिट पुट कर देंगे 0 टू n, uk into u of n minus k हो जाएगा 1 और ak, ओके ak आपका as it is रह जाएगा, तो ये आप लिख दीजिए yn k की वैल्यू 0 टू n ak and n should be greater than equal to 0, तो आपका जो yn का आंसर है, देखिए अब आपका समेशन हो रहा है, ठीक है ना, 0 टू n तक ak का, अगर मैं इसे थोड़ा सा ओपन करके देखूं तो a की पावर 0 1 a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 एंड सो ऑन, ठीक है ना, अप टू a की पावर चला जाएगा ये n तक, तो इसमें अगर आप देखें तो ये आपकी gp सीरीज बन रही है, कितने टर्म की, n प्लस 1 टर्म की, n की नहीं, नो n प्लस 1 की, y अगर आप देखें यहां पर k की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से n जाना है आपको, 1 टू n नहीं जाना है, अगर आप 1 टू n जाते तो n टर्म्स होते हैं, 0 टू n जा रहे हैं तो कितने टर्म्स हो जाएंगे, n प्लस 1, ओके तो यहां पर आपकी n प्लस 1 टर्म की gp सीरीज बन रही है, ओके क्लियर है अच्छे से, तो अब आप देखिए यहां पर gp सीरीज का समेशन क्या होता है, n प्लस 1 टर्म का या n टर्म का, पहले देख लेते हैं, होता है आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है, जो भी आपका फर्स्ट टर्म रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस rn डिवाइड बाय 1 माइनस r, जहां पर जो आपका r होता है वो होता है कॉमन रेशियो और जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, तो यहां पर sn क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपका क्या है 1 माइनस rn, r क्या है आपका कॉमन रेशियो, मतलब सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, ऑलवेज आपका सेम रहेगा, तो वो आपका क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो 1 माइनस a की पावर, पावर क्या है आपका n प्लस 1, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके क्या है इस समेशन में, n प्लस 1 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस a, ठीक है, और हर जगह आपको लिखना जरूर है n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां भी आप लिख दीजिए n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके यहां पर देखिए अगर मैं sn को ऐसा लिख दूं 1 माइनस a की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a, जो आपने लिखा है n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उसको आप इस तरीके से लिख दीजिए 1 माइनस a की पावर n प्लस 1 1 माइनस a, देखिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की क्या मीनिंग होती है, इसकी मीनिंग होती है आपकी un, आप चाहें तो un भी लिख सकते हैं, देखिए n greater than equal to 0 पे un क्या होता है 1 होता है, तो un की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा, n less than 0 पे un क्या होता है 0 होता है, तो sn पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इक्वेशन वाले आप चाहें तो इस मेथड से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टास्क था यहां पर वो था आपका k की रेंज, k की लिमिट, समेशन की लिमिट और n की रेंज, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे xn और hn वाले क्वेश्चन में जब भी आपका un un का टर्म होगा तो ऑलवेज आपका uk into u of n minus k प्रोड्यूस होगा, तो ऑलवेज आपकी लिमिट जो होगी वो सेम रहेगी 0 टू n और n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस तरह के हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बार बार अब आपको लिमिट्स निकालने की जरूरत नहीं है, देखिए जैसे एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं, अब देखिए कितना जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा, अब हमसे मान लीजिए आपको xn गिवन है 2 की पावर n un एंड hn गिवन है आपको 3 की पावर n un, ओके तो यहां पर अब अगर मैं yn निकालने के लिए जाऊं तो yn का फॉर्मूला हमें पता है समेशन k इक्वल टू माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट xk 2 की पावर k uk h ऑफ n माइनस k मतलब 3 की पावर n माइनस k u ऑफ n माइनस k, ओके ये बन जाएगा हम लोग का, तो अब आप देखिए yn कितना हो जाएगा हमारा 2 की पावर k uk एज इट इज रहेगा, पर यहां पर देखिए जो 3 की पावर n माइनस k है आपका समेशन k का है तो 3 की पावर n क्या हो जाएगा आउटसाइड, क्योंकि k के समेशन के लिए n कांस्टेंट होगा, तो
तो अब आप इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 2 की पावर k 3 की पावर माइनस k, मतलब 2 by 3 की पावर k uk u of n माइनस k। तो अब अगर आप देखें तो आपका सेम टर्म जो है वो प्रोड्यूस हो गया है यहां पर। ओके, नाउ इस सेम टर्म uk और u of n माइनस k को हम दोबारा यहां पर सॉल्व नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी जानते हैं जब भी uk into u of n माइनस k प्रोड्यूस होगा हमें k की लिमिट रख देनी है 0 टू n, ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा 2 by 3 की पावर k, क्योंकि आपका uk into u of n minus k क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें। ओके, तो यहां पर आप देखिए अब n should be क्या हो जाएगा, greater than equal to 0। तो अगर आप देखें यहां पर फिर से आपकी एक gp सीरीज बन जाएगी, आप चाहे तो ओपन करके देख सकते हैं, yn क्या हो जाएगा आपका 3 की पावर n summation k equal to 0 to n 2 by 3 की पावर k n should be greater than equal to 0, यही टर्म था हमारा। अब देखिए मैं इसे ओपन कर रहा हूं तो yn क्या हो जाएगा 3 की पावर n, ओके, तो 2 by 3 की पावर 0 1, 2 by 3 की पावर 1 plus 2 by 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, कहां तक चला जाएगा 2 by 3 की पावर k, ओके, तो आपकी फिर से ये GP सीरीज बन जाएगी और साथ में आपको लिखना जरूरी है कि n should be greater than equal to 0। तो yn क्या हो जाएगा आपका 3 की पावर n, फर्स्ट टर्म तो आपका 1 है, तो a into 1 minus rn, फर्स्ट टर्म into 1 minus rn, 1 minus 2 by 3 की पावर rn, ओके, यहां पर देखिए आपका जो पावर है वो क्या है, n है ना, तो कितना हो जाएगा आपका n, कितना है आपका n, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके n plus 1, ओके, तो डिवाइडेड बाय क्या होता है 1 minus r, मतलब 2 by 3, ओके, तो यहां पर ये आपका सॉल्व हो जाएगा, n should be greater than equal to 0, क्लियर है अच्छे से। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं yn को, ठीक है, इसको आप और मॉडिफाई कर सकते हैं, बट ये आपका मेन प्रोसेस है जिसके थ्रू आप yn का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमें यहां पर दोबारा से लिमिट निकालने की कोई नीड नहीं हुई, हमें सिर्फ और सिर्फ gp सीरीज को सॉल्व करना आना चाहिए, लिमिट्स इस तरह के हर क्वेश्चन की सेम रहेगी, समेशन की k की लिमिट होगी 0 टू n और n की रेंज क्या होगी, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। तो आज की वीडियो में अभी मैंने आपको टाइप 2 बता दिया है, ओके, इसके अलावा अब मैं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के कुछ एक दो क्वेश्चन और कंसीडर करूंगा, उसके बाद हम डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन को यहां पर एंड करेंगे, ओके। नाउ अब ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए कंसीडर करने जा रहा हूं डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम का, उसमें आपका कॉन्वोल्यूशन मैं नहीं करूंगा, आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोज करिए आपको HN दिया हुआ है 1 by 6 की पावर n, ओके, ये आपको ब्रैकेट्स में साथ में un की लिमिट दी हुई है, ठीक है, ये आपको दिया है un plus 6 minus un minus 7, ओके, ये आपको गिवन है, और साथ में आपको गिवन है h of n minus k, जो कि है 1 by 6 n minus k, ठीक है, और आपको बोला है कि जो k की जो रेंज है, ठीक है, वो है आपकी p से q तक, तो आपको p और q की वैल्यू निकालने यहां पर बोला है, p एंड q की वैल्यूज, ओके। तो ये आपका डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि hn के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, ठीक है ना, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम, ओके। तो अब आप देखिए यहां पर आपको कॉन्वोल्यूशन तो नहीं करना है, लेकिन आपको p और q की वैल्यू बतानी है जो कि k की लिमिट्स हैं एक तरह से, ठीक है, रेंज ऑफ k है। तो आप देखिए जो आपको सबसे पहले गिवन है hn, उसका आप थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए, देखिए जो hn है उसकी वैल्यू है 1 by 6 की पावर n u of n plus 6 minus u of n minus 7, ठीक है, हमें अब अच्छे से ये पॉइंट पता है कि आपका जो u का काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिट डिसाइड करना होता है। तो अगर मैं u of n plus 6 देखूं तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, नेगेटिव साइड बनने वाला है ये आपका, ओके,
माइनस सिक्स, माइनस फाइव, ओके, डैश 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 डैश, अब तू कहां तक चला जाएगा ये आपका, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ओके तो यू एन प्लस सिक्स मतलब जो आपका यू एन है वो आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया है सिक्स से, तो ये आपका बन गया यू एन प्लस सिक्स, ओके। सेम अगर मैं यू एन माइनस सेवन बना लूं आपके लिए तो ये कैसा बन जाएगा, ये आपका सेवन से राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो सेवन एट नाइन ये क्या बन गया यू एन माइनस सेवन। तो अब अगर आप दोनों का सब्ट्रैक्शन करें जो यहां पर गिवन है आपको यू एन प्लस सिक्स माइनस यू एन माइनस सेवन, तो आप देखिए जो यू एन प्लस सिक्स है वो एन की वैल्यू माइनस सिक्स से इंफिनिटी तक क्या है वन है, और जो आपका यू एन माइनस सेवन है वो एन की वैल्यू सेवन से इंफिनिटी तक क्या है आपका वन है। क्लियर है अच्छे से? तो इसकी क्या मीनिंग है आपकी, इसकी मीनिंग ये है कि जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका माइनस सिक्स से लेकर प्लस सिक्स तक यू एन प्लस सिक्स वन है लेकिन यू एन माइनस सेवन क्या है जीरो है, लेकिन सेवन एन की वैल्यू सेवन से इंफिनिटी तक दोनों ही वन है, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो। मतलब जो यू एन प्लस सिक्स है माइनस यू एन माइनस सेवन है उसका जो आंसर होगा वो एन की वैल्यू माइनस सिक्स से लेकर प्लस सिक्स तक होने वाला है आपका। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, तो यहां पर एक्चुअल में इनडायरेक्ट वे में ही सही लेकिन एच एन की वैल्यू आपको गिवन थी 1 बाय सिक्स की पावर एन, ठीक है, फॉर माइनस सिक्स टू एन टू प्लस सिक्स, ये आपको गिवन था एच एन की वैल्यू, ठीक है। अब क्या बोला है आपको, अगर एच ऑफ एन माइनस के कुछ इस तरीके से है तो अगर आप देखें अगर आप एच एन की जगह एच एन माइनस के ले तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 बाय सिक्स एन माइनस के, क्या यही इक्वेशन हमारा है? यस हमारा इक्वेशन बिल्कुल सेम है। तो अब आप देखिए आपको यहां पर k की रेंज निकालनी है, तो आप देखिए जब आप इस इक्वेशन में n की जगह n माइनस के पुट कर रहे हैं तो माइनस सिक्स, ठीक है, n का टर्म यहां पर आपको दिख रहा है मिडिल में, तो उसकी जगह क्या पुट कर देंगे n माइनस के टू प्लस सिक्स। अब आपको जो लिमिट निकालनी है वो k की निकालनी है n की नहीं, तो हमें यहां से n को हटाना होगा, तो अगर हम बोथ साइड माइनस एन कर दें तो माइनस सिक्स माइनस एन, ओके, माइनस के सिक्स माइनस एन, तो आपका दोनों साइड से अगर आपने एन एन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक्चुअली आपने तीनों टर्म्स में एन का सब्ट्रैक्शन किया है, तो मिडिल वाले टर्म में एन माइनस एन जीरो हो जाएगा, बाकी टर्म्स में माइनस एन के टर्म्स आ जाएंगे। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए आपको जो लिमिट चाहिए वो के की चाहिए, माइनस के की नहीं चाहिए, तो अब आपको यहां के प्रोड्यूस करना है तो आपको तीनों टर्म में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। आपको पता है जब भी आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर का साइन लेस हो जाता है, लेस का साइन ग्रेटर, मतलब साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए के, ओके, ये आपका इस तरफ था राइट साइड तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा आपका n माइनस सिक्स, और ये आपका लेफ्ट साइड था ये राइट साइड आ जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा n प्लस सिक्स। तो आप देखिए यहां पर जो आपको क्वेश्चन में गिवन था एच ऑफ एन माइनस के इज इक्वल टू वन बाई सिक्स एन माइनस के, के की रेंज थी आपकी p से q, ओके, तो क्या यहां पर k की रेंज आपकी सेम है? यस, आपकी बिल्कुल सेम कंसेप्ट या बिल्कुल सेम आपका इक्वेशन यहां पर क्रिएट हुआ है, तो यहां पर जो k की रेंज है p से q वो बिल्कुल सेम ही होगी, तो यहां पर जो p होगा वो क्या हो जाएगा n माइनस सिक्स और जो q हो जाएगा वो क्या हो जाएगा n प्लस सिक्स, ओके। क्लियर है अच्छे से? तो ये क्वेश्चन नो डाउट कॉन्वोल्यूशन का नहीं था, बट दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम, ओके, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन भी करना आना चाहिए। क्लियर है अच्छे से? नाउ मैं यहां पर एक और क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए कुछ अलग, तो वहां पर आप देखिए, देखिए आपको यहां पर xn गिवन है, ओके, xn आपको गिवन है 1 9 15, ओके, और ये जो xn है आपका ये आपका कुछ इस तरीके से सिस्टम में अप्लाइड है। देखिए
यहां पर आपका पहला टर्म दिया हुआ है u n plus 12, ओके okay? नेक्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है u n plus 11, ओके देन ये दोनों आपके समेशन हो रहे हैं यहां पर, ओके okay? एक साइन प्लस है पर नीचे वाला साइन आपका माइनस है, ठीक है। अब यहां से एक और आपका रिप्रेजेंटेशन है, उसमें आपको गिवन है u n plus 10, ओके okay? एक और ब्लॉक आपको रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए यहां पर ये जो आपका एडर है इसका जो आउटपुट है उसके बाद एक और ब्लॉक लगा हुआ है आपका डेल n माइनस 1, ओके और इस ब्लॉक का जो आउटपुट आ रहा है उसका समेशन किया गया है आपका यहां पर इस तरीके से, ओके जहां पर एक साइन है प्लस और एक साइन है आपका माइनस, ओके और इसका जो आउटपुट है वो है आपका वाई एन, ओके तो यहां पर आपको वाई एन डिटरमाइन करने के लिए बोला गया है इस क्वेश्चन में। क्लियर है अच्छे से? नाउ अब अगर मैं यहां पर देखूं तो आपको एक्स एन गिवन है इनपुट साइड में और फाइनल आउटपुट है वाई एन, मतलब ये जो पूरे बीच के सारे ब्लॉक्स है ना ये एच एन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरह से, सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से। तो अगर आप इन ब्लॉक्स को सॉल्व कर ले तो आपको सिस्टम एच एन मिल जाएगा और आपको पता है वाई एन क्या होता है, एक्स एन कॉन्वॉल्व विथ एच एन, ओके तो आप देखिए अगर आप फर्स्ट समेशन को सॉल्व करने जाएं यू एन प्लस 12 माइनस यू एन प्लस 11, माइनस साइन है ना यहां पर, तो पहले मैं इसे सॉल्व करता हूं आपके लिए। देखिए u n प्लस 12 मतलब ये आपका 12 से लेफ्ट साइड शिफ्टेड है u n, तो माइनस 12, ओके माइनस 11 अप टू इनफिनाइट तक पूरा चला जाएगा, हर एक सैंपल क्या होगा 1 1 1 1 1। अब अगर मैं बात करूं u n प्लस 11 की, ओके तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 11 से लेफ्ट साइड शिफ्टेड है, माइनस 11 माइनस 10 अप टू पूरा इनफिनाइट तक चला जाएगा, ये भी सबका एम्पलीट्यूड आपका 1 है। तो अब अगर ये दोनों माइनस हो रहे हैं आपके, तो देखिए यू एन प्लस 12 जो है वो माइनस 12 से इनफिनिटी तक है और जो यू एन प्लस 11 है वो माइनस 11 से इनफिनिटी तक है, तो आप देख सकते हैं दोनों ही फिगर में माइनस 11 से इनफिनिटी तक हर एक सैंपल आपका 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। लेकिन यू एन प्लस 12 में माइनस 12 पर एक सैंपल है बट यू एन प्लस 11 में माइनस 12 पर कोई सैंपल नहीं है, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा आपका 1, मतलब इसका जो आंसर बचेगा वो बचेगा आपका माइनस 12 पर एक सैंपल 1। इसका मतलब इसे हम क्या बोल सकते हैं, डेल एन प्लस 12, एम्पलीट्यूड इसका 1 है, ठीक है। तो ये आपका आएगा आंसर इन ब्लॉक्स को सॉल्व करने के बाद, ओके क्लियर है अच्छे से। अब अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इनको फिगर के फॉर्म में तो आपका किस तरीके से हो जाएगा, ये देखिए यहां पर आपका स्टार्टिंग में इनपुट क्या है, एक्स एन, ओके इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू दी है 1915, ओके तो आप लिख दीजिए 1,9,15, ठीक है। अब आपने किया क्या इस फिगर में, ध्यान से देखिए आपने इन दोनों को सॉल्व करके अचीव कर लिया डेल एन प्लस 12, ओके तो ये आपका आ जाएगा डेल एन प्लस 12 और साथ में कैस्केड में है आपका डेल एन माइनस 1, ओके नाउ यहां पर आप देखिए एक और आपकी लाइन थी जिसमें एक और ब्लॉक कनेक्टेड था, वो ब्लॉक था आपका यू एन प्लस 10, ओके अब ये दोनों आपके ऐड हो रहे थे, ठीक है, जिसमें ऊपर साइन था प्लस नीचे वाला साइन था माइनस और फाइनल आपको मिल रहा है वाई एन। अब हमें एक और पॉइंट दिमाग में रखना है आज से कि जब भी टाइम डोमेन में, चाहे डिस्क्रीट टाइम हो चाहे कंटिन्यूअस टाइम हो, जब भी टाइम डोमेन में आपके दो ब्लॉक्स कैस्केड में होंगे तो इसका मतलब वो हमेशा कॉन्वॉल्व हो जाएंगे आपके, ओके और मैं आपको इंपल्स का कॉन्वोल्यूशन ऑलरेडी लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूं। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों डेल हैं तो डेल ही रह जाएगा और टोटल शिफ्टिंग आप ऐड कर दीजिए 12 माइनस 1 11, तो n प्लस 11, ओके
और ये आपका ऐड हो रहा है एक्चुअल में, किसके साथ ऐड हो रहा है, ये u ऑफ n प्लस 10 के साथ। क्लियर है अच्छे से? नाउ यहां पर आप देखिए, अब ये दोनों आपके सम हो रहे हैं, ओके ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस, और यहां पर आपको मिल गया है yn। क्लियर है अच्छे से? तो अब अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, डेल n प्लस 11 एक टर्म है और एक टर्म है आपका यू एन प्लस 10, ओके तो यहां पर ये दोनों आपके माइनस में आ रहे हैं, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें, डेल n प्लस 11 जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, माइनस 11 पर 1 डेल n प्लस 11 आ जाएगा आपका, ओके और आप देखिए यू एन प्लस 10, यू एन प्लस 10 आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, माइनस 10 पर 1, माइनस 9 पर 1 एंड सो ऑन, ओके तो ये बन गया आपका यू एन प्लस 10। अगर आप दोनों को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस 11 पर ये 1 रहेगा और बाकी सारे जो हैं वो माइनस 10 माइनस 9 पर हैं 1 1, तो वो सारे के सारे माइनस 1 बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर अचीव नहीं होने वाला, क्लियर है। तो इसका एक और अल्टरनेटिव है जो आप कर सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं और यहां पर माइनस की जगह अगर प्लस साइन ले लूं, ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये माइनस को प्लस पे चेंज कर रहे हैं। तो अब आप देखिए क्या कुछ सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा यहां पर, अगर मैं आप दोनों को ऐड कर दूं यहां पर, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, माइनस 11 पर ये 1 है, माइनस 10 पर भी 1 है यहां पर, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा, क्योंकि एक फिगर में सिर्फ माइनस 11 पर 1 था, बाकी सारे फिगर पे माइनस 10 से लेकर इन्फिनिटी तक आपके 1 है, ठीक है। तो ये आपका माइनस 11 से लेकर इन्फिनिटी तक हर एक पॉइंट पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो फिगर बना, ये क्या बना, यू ऑफ एन प्लस 11। क्लियर है अच्छे से? तो ये आपका फिगर यहां पर अचीव हो गया, यू एन प्लस 11, तो ये आपका क्या बन गया, एच एन बन गया, ठीक है ना। बीच का सॉल्व करने के बाद आपको एच एन मिल गया, तो अब आपको क्या करना है, फाइनली फाइनली आपको निकालना है वाई एन, जो कि होगा एक्स एन कॉन्वॉल्व विथ एच एन। एक्स एन की वैल्यू आपको अब पता है, एच एन की वैल्यू अब आपको पता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है अब आपके लिए होमवर्क है, आपको इस क्वेश्चन को जितने मेथड मैंने आपको डिस्क्रीट टाइम के लिए बताए हैं उससे सॉल्व करने की कोशिश करनी है, या तो मैं आपको लास्ट में ओवरऑल एक स्टेप रिस्पांस भी समझाऊंगा डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का मिला के, उससे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। दोनों में से कोई भी मेथड हो आपको इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ओके क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर जो मेरा टारगेट था वो क्वेश्चन कराना नहीं था आपको कि यहां पर आपका साइन माइनस है समेशन का कि प्लस है, मैंने क्वेश्चन रैंडमली क्रिएट किया था यहां पर। मेरा यहां पर जो टारगेट था आपके लिए वो ये था, आपको ये समझा पाना कि जब भी आपके ब्लॉक्स कैस्केड में होंगे तो आपका हमेशा कॉन्वोल्यूशन आपको परफॉर्म करना है। जैसे कि जब आपका यहां पर डेल्टा एन प्लस 12 एंड डेल्टा एन माइनस 1 कैस्केड में थे, मतलब दोनों के बीच क्या होना था, कॉन्वोल्यूशन होना था। ये मेरा यहां पर मेन एम था आपके लिए, ओके क्लियर है अच्छे से। नाउ इस वीडियो में अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यूअस टाइम कॉन्वोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, कॉन्वोल्यूशन के कुछ मेथड्स स्टडी करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन दोनों को मिलाकर कुछ और थ्योरिकल एनालिसिस करेंगे, ओके तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, ओके थैंक यू।